पहले आपको इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एग्जाम चाहिए। वेबसाइट आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके यदि आपका विंडोज है तो विंडोज के लिए जो भी प्लेटफॉर्म उसके लिए आप डाउनलोड करके कर लेंगे क्लिक लेटेस्ट वर्जन, मतलब उसमें PHP 8 होनी चाहिए, ज़्यादा पुराना तो PHP 8 के साथ नहीं आएगा। उसके बाद से कंपोजर पे जाएंगे, कंपोजर पे डाउनलोड पे जाएंगे, गूगल में सर्च करेंगे डायरेक्ट ये लिंक मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे देखिए एक exe फाइल होगा यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए, ये रहा डाउनलोड एंड रन कंपोजर .exe, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। और फिर हम टेलविंड पे जाएंगे, ये दोनों इंस्टॉल करने के बाद से मैं आता हूँ पहले, ये मेरे में इंस्टॉल ऑलरेडी है तो मैं पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ लारावेल का, तो कंपोजर, उसके बाद से क्रिएट प्रोजेक्ट, देन लारावेल स्लैश लारावेल, उसके बाद से अपने प्रोजेक्ट का नाम, तो मैं डालता हूँ वेफाइन ए फ्रिक्स कार्ट, और फिर एंटर कर देंगे, ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए जब तक सेटअप हो रहा है तब तक मैं बता देता हूँ, हम लोग यहाँ पे एक एडमिन पैनल सेटअप करेंगे ऑलरेडी अभी, जो कि मैंने बनाया हुआ पैकेज, तो आपको ये सारे लिंक मिल जाएंगे टेलविंड CSS के। और ये रहा तो यहाँ पे आप तब तक भी मैं आ जाता हूँ, आप टाइप करेंगे github.com/tdforu, ये जो कि मेरी गिटहब की रिपोजिटरी है, यहाँ पे जाएंगे रेपो में, उसके आप देखिए DD एडमिन पैनल पैकेज है, यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको एक कमांड्स मिल जाएंगे, ये सारे स्टेप्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको इंस्टॉल करना है तो आपका एडमिन पैनल सेटअप हो जाएगा, जिसमें आपका लॉगिन, फॉरगेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड, ये सारा सेटअप होगा। ये चीज़ें आपको नहीं, बस अपनी लॉजिक की चीज़ लिखनी होगी, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सेटअप हो जाएंगी। ये चीज़ हमें प्रोजेक्ट सेटअप के टाइम ही सेटअप करना होता है, क्योंकि बाद में करेंगे तो कुछ दिक्कत आ सकता है। तो सबसे पहले ये सारे हम सेटअप करेंगे, देन हम अपने डिज़ाइन पे की ओर बढ़ेंगे, जो कि हमने दिखाया हुआ था, और लैंडिंग पेज का काम स्टार्ट करेंगे। देखते हैं हमारा 71% हुआ है, तब तक मैं फिग्मा का डिज़ाइन खोल लेता हूँ, और जो रिक्वायर्ड इमेजेस हैं वो उसका भी लिंक आपको मैं दे दूंगा, ड्राइव का लिंक अपलोड करके, क्योंकि वो इजी से जल्दी मिलती नहीं है, और सेम इमेज मिलेगा नहीं तो आपको सेम डिज़ाइन क्रिएट नहीं होगा, तो आपको यार मेरा तो डिफरेंट डिज़ाइन हो रहा है, साइज नहीं आ रहा है, तो दिक्कत आ जाती है। मेरा सेटअप होने ही वाला है, तो मैं यहाँ चलता हूँ फिनिक्स कार्ट के अंदर, और यहाँ पे मैं VS कोड इंस्टॉल, सॉरी VS कोड ओपन कर लेता हूँ, ओपन विथ कोड पे क्लिक करके। आप में VS कोड इंस्टॉल नहीं है तो आप जाइए और इंस्टॉल कर लीजिए VS कोड, आपको गूगल पे लिखना है और यहाँ पे बस डाउनलोड पे जाना है, इसका भी मैं लिंक दे दूंगा, और जो भी प्लेटफॉर्म उसके लिए आप अपना सूटेबल डाउनलोड कर लेना, 64 या फिर 80, सॉरी गाइस 64 या फिर 32 होता है, हाँ 32, जो भी आपको, आप अपना कॉन्फ़िगरेशन देख के डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। और ये मेरा जैसे ही कंप्लीट होता है मैं इसको करूँगा बंद, तो गाइस देखिए ये हमारा हो गया कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड, और यहाँ मैं इसको करता हूँ कट, और मेरा VS कोड में ऑलरेडी ओपन हो चुका होगा, दैट्स नाइस। अब हम चलेंगे, पहले तो इंस्टॉल करेंगे इसको कंपोजर, तो बस कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, एंटर किया मैंने, इसको मैंने कॉपी किया, देखिए ये भी हो गया इंस्टॉल्ड, और मैं दूसरा कमांड जो कॉपी किया था उसको मैं पेस्ट करता हूँ, उसके बाद से मैं तीसरा कमांड पे चलता हूँ, और देखिए ये इसके लिए आपको क्या करना होगा, डाटाबेस के अंदर, माइग्रेशन के अंदर, सॉरी माइग्रेशन सीडर के अंदर, और डाटाबेस सीडर के अंदर जाना है, और यहाँ पे लाइन बाय लाइन नाम से देखना है पेस्ट में क्या करना है, यहाँ पे करना है लाइन नंबर 17 पे मैंने किया है इस ब्रैकेट के अंदर, ओके यहाँ पे लिखा भी है देखो कहाँ पे 8 to seeder, उसके बाद से मैं टेलविन सेटअप पे जाना है, टेलविन का इंस्टॉलेशन पे, तो टेलविन पे चलते हैं और यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं,
उसके बाद से फ्रेमवर्क गाइड पे चलते हैं और यहाँ पे लारावेल पे चलते हैं और कॉपी पेस्ट करते हैं। ये हमने कर लिया ऑलरेडी, हमें बस ये दो लाइन करना है। मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। उसके बाद से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसको इंस्टॉल होने देता हूँ। तो वैसे अभी इंस्टॉल ही हो रहा है, वेट करते हैं। ये हो गया इंस्टॉल्ड, मैंने ये सेटअप कर लेता हूँ। फिर पॉज करके वीडियो को, हमें यहाँ से ये दो लाइन कॉपी करना है, ये लास्ट वाला नहीं करेंगे क्योंकि हमें व्यू जेएस का नहीं है। और यहाँ पे जाएंगे नीचे टेलवेंट सीएसएस, सॉरी गाइस क्या नाम है, ओह अभी तो एक कमांड चलाएंगे, मैंने वो कमांड चलाया ही नहीं, ये कॉपी तो किया बट चलाया नहीं। ये कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वहाँ पे कॉन्फिग फाइल बन जाएगी टेलवेंट सीएसएस की। देखिए जैसे ही कंप्लीट होगा मेरा सिस्टम थोड़ा हैंग करने लगा क्योंकि ज़्यादा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है और लैपटॉप काफ़ी पुराना है। देखिए यहाँ पे फाइल बन गई और यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे, देन हम बैक टू जाएंगे इस कॉन्फ़िगरेशन और ये लास्ट वाली लाइन को कॉपी करेंगे जो मैंने एडमिन पैनल सेटअप किया था, और इसके नीचे पेस्ट करके सेव कर देंगे। अब हमें जाना है रिसोर्स के अंदर, व्यू के अंदर, वेलकम के अंदर, और ये सारी चीज़ें हमें हटा देनी है। कंप्लीटली, और फिर यहाँ पे जाना है और ये लाइन हमें कॉपी करनी है, और सारा ऑलरेडी सेटअप हो गया होगा। जैसे इंस्टॉल करेंगे ये सारे स्टेप हो जाएंगे, तो हमें वो नहीं करना है, हम बस यहाँ पे जाएंगे ये पेस्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। अब हमारा ये सब कुछ सेटअप हो चुका है, हमें बस इमेज डाउनलोड करना है। तो मैं इमेज डाउनलोड करने के बाद से फिर वीडियो को रिज्यूम करता हूँ, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। और गाइस यदि आपको अच्छा लग रहा है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सीख पाएंगे। और इसकी मैं गारंटी देता हूँ, या फिर आप कंप्लीट कोर्स करते हैं तो आपको टेलविंड आ जाएगा, बेहतरीन तरीके से आएगा, और क्या बोलते हैं लारावेल 9 आ जाएगा जो कि लेटेस्ट वर्जन है। तो आप अच्छे से जॉब कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोजेक्ट दिखा सकते हो, और ये प्रोजेक्ट दिखाने के लिए नहीं, रियल यूज भी कर सकते हो, लेकिन आपको इसके लिए कोड करना पड़ेगा। बस चलते हैं, पहले हम डाउनलोड करते हैं, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो गाइस ये हमारा हो गया, सारे इमेजेस कॉपी, मैं दिखा देता हूँ मैंने कहाँ पे कॉपी किया है। फाइल एक्सप्लोरर से कॉपी किया है, डाउनलोड ऐड किया है। यहाँ पे पब्लिक में जाएंगे, इमेज का एक फोल्डर बनाएंगे इमेजेस का, और उसके अंदर मैंने सारे इमेजेस को कॉपी कर दिया है। इन सारे का लिंक मैं ड्राइव में आपको दे दूंगा, ड्राइव का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ये सारे इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। लोगो आप सर्च कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग करना और देखते हैं। हमें इसके लिए दो टैब ओपन करना पड़ेगा, एक नीचे टर्मिनल, यहाँ पे PHP आर्टिसन सर्व, और एक करेंगे npm रन देव, जिससे हमारा टेलविन CSS कंपाइल होता रहेगा। npm देव रन, npm रन देव, आप में नोड इंस्टॉल होना चाहिए तभी npm काम करेगा। तो उसके लिए आप यहां से जाना, ये मैं बताना भूल गया हूँ, नोड JS सर्च करना, LTS वर्जन डाउनलोड कर लेना। दिखा देता हूँ, वहाँ पर डाउनलोड पे जाओगे तो और यहाँ पे जो भी है उसके लिए LTS वर्जन इंस्टॉल करना, करंट वर्जन मत करना, और डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना। चलो ये हमारा स्टार्ट हो गया है, हम चलते हैं साइड बाई साइड ओपन करते हैं।
ब्राउजर को इस लिंक पे हमारा खुलेगा लोकल होस्ट कॉलन 8000 और हम करते हैं स्टार्ट कोडिंग। तो हमें पहले क्या बनाना है, पहले तो हमें नए पार बनाना है। पहले मैं बैकग्राउंड सेट कर लेते, इस बैकग्राउंड इसका बैकग्राउंड कलर देख लेते क्या है। FP, 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 ओके। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है ना, अब मैं करता हूँ यहाँ पे क्लास BG हाइफन। अरे तुम्हें कुछ कस्टम अपना CSS देना होता है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। हमें FP, FP, FP डालना है। ये हमारा बैकग्राउंड का कलर सेट हो गया। ओके अभी देखना यहाँ पे आ जाएगा। अभी हम डाटाबेस का कोई कनेक्शन नहीं किए हैं कि जब रिक्वायर्ड होगा तब किया जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना, अब हमें बनाना है नेपार, सॉरी स्टॉप मेन्यू या फिर जो भी आप बोल लो हेडर बोल लो। तो क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, यहाँ पे माउस को अपने बंद कर देता हूँ। तो एक DIV और उसके अंदर में देखिए हमें क्या चाहिए, दो पार्ट हमें चाहिए इसमें। तो पहले हम डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे। पहले मैं इमेज डाल देता हूँ यहाँ पे लोगो, CSS बाद में अप्लाई करूँगा। असेट मैंने लोगो लगा दिया और एक DIV के अंदर मैं इस साइड का पार्ट कर दूंगा। अभी बता दो मैंने DIV के अंदर क्यों लिखा है, पहले देखते हैं इधर इस साइड में पार्ट कौन कौन सा है। इसको मैं लॉक कर लेता हूँ। अब देखिए हमें यहाँ पे एक इमेज आइकन चाहिए, तो मैं काम करता हूँ बॉक्सी आइकन यूज कर लेता हूँ, सिंपल है। आप लोग कोई अदर भी यूज कर सकते हैं आपकी मर्जी है। यूजेज पे जाएंगे और हमें वेब फॉन्ट नहीं, हमें यूज करना है यूजेज एज ए फॉन्ट। मैं कॉपी करूंगा और टॉप पे पेस्ट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे बैक आता हूँ। हमें चाहिए एक हार्ट का आइकन, यूजर का आइकन, एक कार्ड का आइकन। हार्ट मिल गया, ये फॉन्ट पे जाएंगे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद एक यूजर का आइकन चाहिए, यूजर मिल गया। और एक शॉपिंग कार्ट का आइकन चाहिए। मैं ये ले लेता हूँ। ये तीन चीज चाहिए हमें। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नाम चेंज कर देता हूँ। देखिए हमारा ऐसे आ रहा है ना, अभी मैं CSS अप्लाई करूँगा तो सही हो जाएगा। थोड़ा मैं ANV में चलता हूँ और यहाँ पे लारावेल की जगह पे पिंक्स कार्ड लिख देता हूँ। और ये चीज मैं यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ ऐसे, कॉन्फिग ऐप डॉट नेम चेंज हो गया ये। अब चलिए चलते हैं, हम इसको स्टाइल कर देते हैं। हम क्या करेंगे, पहले तो क्लास डिस्प्ले फ्लेक्स, तो यहाँ पे फ्लेक्स लिखेंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स के लिए फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यहाँ पे लिखेंगे। जस्ट सॉरी जस्टिफाई बिटवीन के लिए हम डालेंगे जस्टिफाई बिटवीन।
कंटेंट जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन हो जाएगा। अब देखिए एक इधर आ गया एक उधर आ गया, लेकिन हमें ऐसे तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए स्पेस, तो हम दोनों तरफ से डालेंगे पैडिंग। px हाइफन कितना डाल दें, 32 नहीं ज़्यादा हो गया, 524 या फिर 6 तक का डाल देते हैं, देखते हैं। वो तो डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है कितना स्पेस लेता है, अभी देखिए बहुत कम है, तो मैं 10-12 का डाल देता हूँ, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है गाइस इतने इतने से। हाँ हमें कम से कम इतना चाहिए स्पेस, अब सही है, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा रहता अच्छा लगता है। और ये एम्प्टी मैं कर देता हूँ 4, राइट। और यहाँ पे मैं बीजी लगाया था, बीजी वाइट, और यहाँ पे शेडो है, राशियो शेडो है, तो मैं शेडो भी डाल देता हूँ, शेडो, दैट्स राइट। और px मैं डालूंगा py हाइफन 2, या py नहीं डालूंगा मैं, इसको हाइट डालूंगा, तो h हाइफन 40, दैट्स राइट। बट बहुत ज़्यादा हो गया गाइस, नहीं अच्छा लग रहा है, तो मैं वही डालता हूँ py2, दैट्स फाइन। और यहाँ पे आइटम सेंटर भी कर देते हैं, इस साइड का डिज़ाइन तो मेरा हो गया, अब इस साइड पे आते हैं, राइट। तो चलिए हम पहले इसका क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, तो क्लास टेक्स्ट आईफन 2xl करते हैं ताकि आइकन्स बड़े हो जाएं, दैट्स राइट, सही है। अब हम करेंगे यहाँ पे क्या, इसको करेंगे रिलेटिव, मैं बता रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो डिज़ाइन किया ये चेंज करेंगे, थोड़ा सा डिज़ाइन यहाँ पे चेंज करना है हमें कार्ट का। तो हम एक और स्पैन लेंगे और यहाँ पे 0 लिख देंगे, और क्लास बीजी हाइफन कौन सा कलर लूँ, रोज ले लेता हूँ, रोज 600, और राउंडेड फुल क्योंकि हमें सर्कल बनाना है, और ये डब्ल्यू हाइफन एच 6, W6 एंड H6, ये साइज है विथ एंड हाइट का। अब देखते हैं हमारा नहीं सही से बैठा, और टेक्स्ट हाइफन SM डाल देता हूँ, हो गया ना। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, ये मेरा इफेक्ट नहीं लिया, तो मैं करता हूँ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, उसके बाद से टॉप टू और राइट 0, देखते हैं कहाँ जाता है, आई थिंक टॉप 0 ही रहेगा, बट देखते हैं, या राइट 0 एंड टॉप का तो ये भी 0 ही रहेगा, ये हो गया ना। अब 5 कर देता हूँ, दैट्स फाइन। और ये मैं माइनस में करूँगा, राइट को माइनस 2, क्योंकि हमें कोने में थोड़ा सा भेजना है, और थोड़ा सा भेज देता हूँ, 3 कर देता हूँ, दैट्स फाइन। और इसको और छोटा कर देता हूँ, 4 4, या दैट्स नाइस, ये 2.5 कर देता हूँ, बेटर रहेगा,
और ये टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ। देखिए ये हमारा सीएसएस कंप्लीट हो गया, और अब हमें करना टेक्स्ट सेंटर। काम करेगा तो ठीक, नहीं तो दूसरा चीज काम कर गया तो बेटर है। और कार्ट में कितने आइटम होंगे, बहुत होंगे तो 99 होंगे, तो मैं एक और डाल देता हूँ, देखता हूँ सही से कैरेक्टर आ रहा। मस्त, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा SM की जगह पे एक्स्ट्रा स्मॉल, तो XS कर दूंगा। परफेक्ट आ गया ना। अब मैं कार्ट में जीरो कर देता हूँ। कई ये कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं कुछ और चेंज करता हूँ। क्या या इंडिगो ही डाल देता हूँ, 500 बेटर देन, या नाइस। देखिए हमारा एक डिज़ाइन तो हो गया, अब हमें करना है बैनर ऐड लगानी है और स्लाइडर के साथ, तो मैं इसीलिए के बैनर को सेट ही कर डालता हूँ। तो हम चले जाओगे आउल क्राउजल पे, OWL आउल क्राउजल सर्च करेंगे। यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे जाएंगे, और हम डाउनलोड करेंगे। तो गाइस डाउनलोड का कहाँ गया कहाँ गया, आपको ये जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो इमेज का लिंक दूंगा उसमें वो दोनों फाइलें दे दूंगा, आप वहां से प्लेस कर लेना। या ये मेरा डाउनलोड ऑलरेडी है आई थिंक, या है ऑलरेडी मेरे पास, यहाँ पे है। कोई नहीं, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने किया कॉपी, यहाँ पे आता हूँ, और पब्लिक की ये जितने भी ऐसी चीज़ें डालेंगे सारे की सारी पब्लिक के अंदर डालेंगे। रिवील टू एक्सप्लोरर करता हूँ, और पब्लिक के अंदर हमें कौन कौन सी फाइलें कॉपी करनी है पहले तो ये देखते हैं। तो हमें डिस्ट में जाना है, और यहाँ पे ये दोनों फाइल नहीं, ये वाली कॉपी करनी, तो मैं कॉपी कॉपी फाइल टू क्लिपबोर्ड, और यहाँ एक JS का फोल्डर बनाऊंगा और इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। अब एक CSS की दो फाइलें होंगी, असेट्स के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे क्राउजल css.min, और एक होगा थीम डिफॉल्ट डॉट थी। मैं इसको सिलेक्ट टू कॉपी करूँगा, और ये भी कॉपी कर लेता हूँ। एजेक्स लोडर इसकी ज़रूरत है नहीं, वैसे छोड़ दो, ऑलरेडी मैंने कॉपी के लिए। यहाँ पे एक css का फोल्डर बनाएंगे, जो हमें कस्टम css जो भी डालना होगा पब्लिक के अंदर डालेंगे। ये पड़ गया, इसको मैं करता हूँ बंद, इसको भी करता हूँ बंद, इसकी ज़रूरत हमारी ख़त्म हो गई। या तो आप डाउनलोड कर लेना, बेटर है कि आप डाउनलोड कर कैसे करना, ताकि पता चले खुद का यूज कैसे करते हैं उसका। अब हमें क्या करना है, देखो बैक जाएंगे, हमें लिंक करना ये दोनों फाइल। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं लिंक लगाता हूँ, और यहाँ पे लिंक कुछ डिफरेंट टाइप्स होता, असेट, और मैं करता हूँ पहले मिन डॉट देन, इसको मैंने डुप्लीकेट किया, और डिफॉल्ट मिन, इन दोनों को कर दिया मैंने। इसके बाद से मैं JS वाली फाइल चाहिए, इसके लिए मैं jQuery भी चाहिए, तो मैं पहले jQuery को डाउनलोड कर लेता हूँ। JS jQuery, विदाउट jQuery के वर्क नहीं करता, तो मैं CDN पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैनिफाई वर्जन को क्लिक करता हूँ, यहाँ से ये लाइन में कॉपी करता हूँ, और यहीं पे ब्राउजर में एंटर मार देता हूँ, कंट्रोल यस करूँगा, ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा।
इसको मैं कट करता हूँ और जेएस के अंदर जाके रिपील कर देता हूँ। और ये जो फाइल मैंने लिया है एक्सप्लोरर कट, ये हमारा हो गया, कट करता हूँ। अब हमें इन दोनों को लिंक करना है, तो हमें नीचे आते हैं बॉटम पे और स्क्रिप्ट टैग में लिंक करते हैं। तो ये भी ऐसे ही होगा, हम किसी भी फाइल को जो पब्लिक के अंदर होता है ऐसे ही लेते हैं असेट्स के, और जेएस जेक्यूरी हम सर्च मारते हैं, यहाँ पे आ गया। देन डुप्लीकेट करता हूँ, देन यहाँ पे आउल क्राउजल करता हूँ, ये हो गया हमारा लिंक। अब हमें क्या करना है, नीचे आना है, ये कॉपी करना है और हमें यहाँ पे पैनल ऐड लगाना है इस वाले सेक्शन में, राइट। और फिर इसे हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैब डालेंगे, कर देंगे, ये ऑटोमेटिक हमारा हो गया। देखिए आ गया ना, अब हमें ये सारी चीज़ें सेटअप करनी होंगी अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, राइट। तो हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, क्योंकि हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस चाहिए। दैट्स नाइस, या लूप ट्रू चाहिए, मार्जिन चाहिए, रिस्पॉन्सिव क्लॉज चाहिए। यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस पेस्ट कर देंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने इमेजेस को पेस्ट करेंगे, IMG जो कि बैनर है, असेट बैनर। अब देखो हमारा आ गया होगा बैनर स्लाइडर, आ गया ना। हमें इसको करना है ऐसे, बट हमें इतने टाइम नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें वन टाइम चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिव क्लास, और इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और सारे में वन वन कर देंगे। देखिए दिखा नहीं, क्यों, कुछ दिक्कत होगा इसीलिए, और क्यों। तो ये रहा दिक्कत, कौन सा छोड़ दिया ब्रैकेट भाई। यहाँ पे हमने कॉपी तो किया, बट एक ब्रैकेट और रहेगा, हो गया सही, दैट्स फाइन। अब हमारा बैनर एड दिखेगा, दिखने लगा हमारा बैनर एड, स्क्रॉल होता रहेगा जब मल्टीपल बैनर एड रहेगा तब। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको इसको हम लोग क्या करेंगे, एक टैग के अंदर डालेंगे और एचरेफ लगा देंगे अभी के लिए।
इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ ताकि ये स्लाइड करना स्टार्ट कर जाए। दैट्स फाइन, ये हमारा हो गया बैनर ऐड। देखिए हो गया ना। अब ये चीज ये नीचे आ रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ। नैप फॉल्स, नैप ट्रू, सबको फॉल्स कर देता हूँ। दैट्स फाइन। अब क्या उड़ गया? या देखिए ये चलता रहेगा चलता रहेगा। इसमें देखिए सीएसएस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है? सीएसएस का देखते हैं। हमारा नीचे भी आ रहा है जबकि हमारा प्रोडक्ट है ही नहीं वहां पे। के लिए देखते हैं। एक क्लास डालते हैं एच हाइफन कंटेंट, क्या था? मिक्स मिन होगा शायद, काम बन जाए। नहीं बना क्यों? कुछ तो यहाँ नीचे आ रहा है जो दिख नहीं रहा है। या डॉट्स, हमें डॉट्स को भी हाइड करना पड़ेगा। क्या नाम है यहाँ पे? डॉट लिखा होगा, डॉट्स या को भी कॉलन फॉल्स। अब ये हो गया फिक्स्ड। देखिए अब हमारा बस इतना ही में आएगा। अब क्यों आ रहा है? गाइस मैंने क्या डाला है? 1 मिनट, ऐसा हो सकता है कि ये इमेज में ही उतना स्पेस हो क्योंकि और कोई ऑप्शन तो है नहीं। मुझे लग रहा है कि इमेज मोड ट्रांसपेरेंट सी है इसलिए वो दिक्कत दे रही है। हाँ गाइस कोई सब कुछ सही है, बस इमेज की प्रॉब्लम है। तो इमेज को मैं एडिट कर देता हूँ, ओपन विथ। तो पीएम में खोल लेते हैं। और किसी में तो नहीं है? नहीं, और किसी में नहीं है। यहाँ पर एडिट हो जाएगा। देखिए यही दिक्कत थी, ये जो शेडो था ना उसके वजह से दिक्कत आ रही थी।
दैट्स फाइन, क्रॉप पिक्सल एंड सेव इट। या अब देखिए ये हो गया सही। देखिए हमारा जस्ट आ गया ना। अब हमें क्या करना है, तो रिफ्रेश हो गया, हमें प्रोडक्ट बनाने हैं राइट। तो वाइज प्रोडक्ट का डिज़ाइन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो गाइस और जो बाकी का लैंडिंग पेज है वो नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग कंप्लीट कर देंगे। यदि कुछ भी समझ में ना आया हो कैसे होगा तो कमेंट करके बताएं, मैं उसका सोल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में आप बताइए, मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा कि यूज कैसे करना है, क्या चीज़ें आपको समझ में, एक्सप्लेन करूंगा समझाने की। और ये प्रोजेक्ट आपको देख के कैसा लगा, अच्छा है नहीं है, चलेगा? ये वेबसाइट मेरी रियल वेबसाइट है, इस पे ये रियल में पब्लिश होगी, ये किसी टेस्टिंग के लिए नहीं है। तो आप लोग इस प्रोजेक्ट को कीजिए, और सोर्स कोड आपको चाहिए तो जब यूडमी पे कोर्स अवेलेबल होगा मैं बता दूंगा, वहाँ से आपको सोर्स कोड मिल सकता है। आपको यूडमी से कोर्स परचेज करना पड़ेगा, और यहाँ तो आपको देख के कोड करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो उस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लैंडिंग पेज कंप्लीट कर लेंगे और देन हम नेक्स्ट प्रोडक्ट डिटेल्स पेज पे या फिर अलग दूसरे पेज का डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।